मार्वल कॉमिक इवेंट। सब कुछ मर रहा है, एम्पायर्स गिर रहे हैं, राजा वो भी ढह रहे हैं, और आदमी के साथ पूरी दुनिया तबाह हो रही है। और तभी हम देखते हैं एल्यूमिनाटीज के मेंबर्स को, और उनमें से एक यानी कि ब्लैक पैंथर के हाथ में एक डिवाइस था, और उसकी तरफ बढ़ते हुए नेमर कहता है कि तुम राह किसकी देख रहे हो। तब ब्लैक पैंथर जवाब देता है, मैं राह नहीं देख रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या था। और इतना कहने के बाद वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, और जिस वजह से एक अर्थ तबाह हो जाती है। ये दुनिया थी एवेंजर्स की, जो कि कईयों में से एक थी। द ट्रिब्यूट। टाइटन आउटराइडर्स पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पैरासाइट असैसिन्स जिनका कोई वजूद नहीं होता। उनका वजूद एक ही चीज पर बेस्ड होता है, उन्हें दिया गया काम, जो कि वो पूरा करते हैं या नहीं, लेकिन ये पूरा करके आया है। और तभी वो अपने मास्टर को बताता है कि उसने एलागोलो पर जीत हासिल की है। तब उसका मास्टर यानी कि करवस अपने मास्टर को बताता है कि एलागोलो, जहाँ पर हम दो साइकिल्स पहले गए थे मास्टर, वहाँ पर गाउंटलेट ऑफ ट्रिब्यूट जमा किया जा सकता है। तब उसका मास्टर उसे इशारा करता है, और उसके बाद करवस अपने गुलाम से कहता है कि उठो आउटराइडर, मास्टर तुम्हारी जीत से खुश है, लेकिन अगर ये खुशी बरकरार रखनी है तो तुम्हें एक और काम करना होगा। और इतना सुनते ही आउटराइडर अपने काम पर निकल पड़ता है, जहाँ पर करवस उसे बताता है कि जाओ दूसरी दुनिया में और वहाँ के छुपे राज बाहर निकालो। आला बोलो ऐसी दुनिया जो रिबिल्ड हो रही है, और जिसने खुद के हार के राख में से खुद को संवारना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी शुरुआत के बीच में वहाँ पर तानाशाह लौट आया था, तानाशाह जो कि था कॉर्वस ग्लेव। वहाँ पर आते ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि कहाँ पर है तुम्हारा बेटा, कहाँ पर है जिसने ग्रेट बीस्ट को हराया, कहाँ पर है अनबीटेबल चैंपियन, कहाँ पर है वो जिसने पानी की जंग को खत्म किया, तो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है अच्छे राजा, बताओ। तब वहाँ का राजा कहता है कि मुझे नहीं पता। तब करवस कहता है, लेकिन मुझे पता है, तुमने उसे मुझे मारने के लिए भेजा जब मैं इस तबाह हुए प्लेनेट के ऑर्बिट में था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तब वो उसकी स्वॉर्ड दिखाते हुए उसे कहता है, ये रही चैंपियन की तलवार। और इतना देखते ही वहां का राजा उस पर हमला करने के लिए कहता है गार्ड से, तब अपने ब्लेड को जमीन पर पटकते हुए करवस कहता है, सोचना भी मत, मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो जो हम पहले भी कर चुके हैं, और हम ये सब पहले भी झेल चुके हैं राजा। तुम्हें पता है दो साइकिल्स पहले आलोगुलो 60 मिलियन पीपल्स का घर था, जो कि तुम्हारे लोग थे, लेकिन मैं और मेरे मास्टर यहाँ पर आए, तुमसे लड़े और तुम हार गए। और अब तुमने क्या किया, तुमने एक सिटी बिल्ड की, तुमने खुद को खड़ा किया, जो कभी गुफाओं में रहते थे वो आज सिटी बिल्ड करके रह रहे हैं। और अगर मेरी गुजारिश मानो तो तुम्हें इसे अगर बरकरार रखना है तो तुम्हें एक ट्रिब्यूट देना होगा मेरे मास्टर को। टाइटन जहाँ पर ट्रिब्यूट लेकर करवस ग्लेव आ चुका था अपने मास्टर के लिए, यहाँ पर मास्टर को वो दिखाते हुए कहता है कि हमें सक्सेस मिली है मास्टर, और भले ही हमारी कसरत हो गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसे देखकर खुश होंगे। तब मास्टर कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तब वो कहता है, हाँ आप एक बार देखे तो सही। तब थैनोस यानी कि करवस का मास्टर देखता है कि वो ट्रिब्यूट था एलागोलो के लोगों के सर, और वो देखकर वो खुश हो जाता है। और जहाँ पर आउटराइडर सीक्रेट्स जमा करने के लिए आया था, और वो छुपी हुई चीज़ें ढूंढने में माहिर होते हैं, और उस चीज़ को ढूंढने के लिए वो एवेंजर टावर, एक्समेंशन और शील्ड हेलीकैरियर जाते हैं बारी बारी से, क्योंकि अगर वो सीक्रेट यहाँ पर नहीं मिला तो इस वर्ल्ड को ट्रिब्यूट पे करना होगा या फिर खुद जलना होगा। एपोकैलिप्स की तैयारी। 60,000 लाइट ईयर्स दूर गोल्डन गैलेक्सी, प्लैनेट कैलेडोर, जहाँ पर एक जंग चल रही थी या फिर सिर्फ तबाही चल रही थी, जहाँ पर केयरटेकर आकर बिल्डर से कहता है कि हमें रजिस्ट किया जा रहा है।
तब बिल्डर्स यानी कि वो जीव जो कि पुरातन से भी प्राचीन है, जो कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इस यूनिवर्स की, वो स्पेसिस को शार्पर बनाते हैं। और इनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक क्रिएटर्स और एक इंजीनियर्स, जहाँ पर उन्हें अंदाजा होता है कि इस प्लेनेट के खुद के हीरोज है जो उनके लिए रोड़ा बन रहे हैं। तब वो अपने बॉट से तबाही मचा रहे थे, तभी उन्हें दिखते हैं दो लोग जो कि उन बॉट्स के निशाने पर थे। लेकिन तभी वहां पर स्पेस नाइट्स आ जाते हैं, स्पेस नाइट्स जो कि गैलेडोर के चैंपियंस थे और ह्यूमन भी, लेकिन अब वक्त के साथ उन्होंने खुद को बदल लिया है। उनकी बॉडीज की जगह ले ली है साइबरनेटिक्स ने, वॉर सिस्टम्स ने और अपग्रेडेड ट्रूप्स ने। यहाँ पर स्पेस नाइट्स के आते ही लोगों के मन में उम्मीद जाग उठती है, लेकिन वहां पर कैप्टन यूनिवर्स आकर कहती है कि इस बार स्पेस नाइट्स किसी को बचा नहीं पाएंगे। तब वहां के लोग उससे पूछते हैं कि तुम इस बारे में श्योर हो और क्या तुम नहीं चाहती कि ये प्लेनेट बचे। तब वो कहती है क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। और तब हम देखते हैं बिल्डर्स की शिप को आसमान में, जहाँ पर बिल्डर्स ऑर्डर दे रहे थे कि इन्हें तबाह कर दो, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी ना हो, और होता भी ऐसा ही है। ऑर्बिटल द पीक, हमारी दुनिया का सेंटिएंट ऑब्जर्वेशन सेंटर जो कि रिस्पॉन्स करने और एक्शन लेने के लिए जाना जाता है, और वो अभी एक मिशन में इन्वॉल्व है जो कि चल रहा है पैलेर्मो में, जहाँ पर सोल्जर्स बताते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि पीछे हटो क्योंकि हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। तब हम देखते हैं एक्सपर्ट्स को यानी कि हॉकआई और कैप्टन अमेरिका को, जहाँ पर कैप्टन कहते हैं हॉकआई सिविलियंस को संभालो। इतना सुनते ही हॉकआई सिविलियंस को दूर करने लगता है, और यहाँ पर उन्होंने बैकअप के लिए थॉर और सेंट्री को आसमान में तैयार रखा था, और तभी वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पिज्जा के मजे ले रहे थे। और तभी कैप्टन कहते हैं कैप्टन क्या तुम्हारे पास वो चीज है तो चलाओ उसे, और उसे शुरू करते ही वो सभी स्क्रल्स में बदल जाते हैं। तब कैप्टन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं अब तुम्हारी बारी, बताओ तुम इसे कैसे करना चाहोगे। और यहाँ पर कैप्टन हॉकआई और बाकी सभी सोल्जर्स उन स्क्रल्स को मारने में लग जाते हैं, और यहाँ पर तभी कोई बड़ी सी चीज द पीक से आकर टकराती है, और इसी वजह से एजेंट ब्रांड कैप्टन कॉल करती है। तब एजेंट ब्रांड से बात करते हुए वो कहते हैं वन मोमेंट एजेंट ब्रांड, ये उनमें से आखिरी वाला था, बताओ क्या बात है। तब एजेंट बताती है कि तुम्हें ऊपर आना होगा क्योंकि प्रॉब्लम काफी बड़ी है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यूनिवर्स को, जो छुपा हुआ है वो बाहर आएगा। एटिलैन इनह्यूमंस का घर, जहाँ पर एक आउटराइडर घुस चुका था। आउटराइडर्स जो कि स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं किसी की भी जानकारी चुराने के लिए, वो वॉल के थ्रू फेज हो सकते हैं, वो किसी को भी चकमा दे सकते हैं, लेकिन उनका असली काम होता है जानकारी इकट्ठी करना। और अब वो यहाँ पर आया है इनह्यूमन के किंग से जानकारी हासिल करने के लिए, और वो सिर में हाथ डालकर वो जानकारी निकालने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि आखिरकार इनह्यूमंस का राजा इनह्यूमन बना कैसे। तो 1 मिलियन साल पहले इनह्यूमंस एक क्री एक्सपेरिमेंट के जरिए एग्जिस्टेंस में आए, और क्योंकि ब्लैक बोल्ट टेरिजन मिस से जुड़ा अपनी वॉइस की वजह से, जो कि हेवंस तक को हिलाने का दम रखती है, उस वजह से वो ब्लैक बोल्ट बना, और उसकी 5 रानियां जिनमें से मेडुसा उसकी सबसे फेवरेट और सबसे पहली रानी है, उसका ब्रदर मैक्सिमस के बारे में और बाकी बची हुई उसकी फैमिली के बारे में उस आउटराइडर को पता चल जाता है, जहाँ पर आउटराइडर कहता है मुझे वीकनेस तो दिख रहे हैं, लेकिन सीक्रेट का क्या। इस वजह से वो अंदर तक खोजने लगता है। यहाँ पर द पीक पर पहुंचने के बाद कैप्टन और आयरन मैन देख रहे थे कि कैप्टन यूनिवर्स हील हो रही है, और कैप्टन एक्स नियलो से पूछते हैं वो पिछले हफ्ते ही गायब हो चुकी थी और यूनिवर्स के दूसरे छोर पर चली गई थी। एक्स नियलो आगे बताता है कि हाँ मदर हील हो रही है और जल्द ही वो होश में आ जाएंगी। और तभी एजेंट ब्रांड बताती है कि हमें कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस मिले हैं डीप स्पेस में से, शायद ये किसी से जुड़े हुए हो या फिर क्री से। तभी आयरन मैन कहता है एक ओपन चैनल से सिग्नल, वो इस तरह से काम नहीं करती। तभी एजेंट ब्रांड बताती है कि वो नहीं, और बिग स्क्रीन शुरू करके वो दिखाती है कि स्क्रल्स के एक प्लेनेट पर अटैक हो चुका था, और ये अटैक देखकर एक्स निहिलो समझ जाता है कि ये बिल्डर्स का काम है।
और अगर वो इस तरह से सबको मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। और तब एक्स निहिलो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिल्डर्स ये सब कर रहे हैं। तब एजेंट ब्रांड कहती है कि अगर अर्थ को टिके रहना है तो या तो उसे सामना करना पड़ेगा या फिर उन लोगों के रास्ते में से हटना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। एटिलान यहाँ पर वो आउटराइडर अभी भी उस इन्फॉर्मेशन को तलाश रहा था और उसे दिखती है ब्रदरहुड ऑफ इल्यूमिनाटीज यानी कि इल्यूमिनाटीज की टीम जिसमें सभी सुपर हीरोज मौजूद थे और हर एक के पास हर एक जेम था और वो आगे देखता है कि एक एक करके वो सारे जेम्स गायब हो जाते हैं उन सभी हीरोज की मौत के साथ। और तभी ब्लैक बोल्ट अपने दिमाग में जाग चुका था और वो कहता है कि मेरे दिमाग में से बाहर निकलो और यहाँ पर ब्लैक बोल्ट जाग कर उसका हाथ तोड़ देता है। खुद पर हमला होने के बाद वो आउटराइडर वहां से भाग निकलता है और बाहर खड़े गार्ड्स और बाकी सभी इनह्यूमंस उस पर अटैक करते हैं लेकिन तब तक उनमें से फेज होकर निकल चुका था। यहाँ पर ब्लैक बोल्ट अपना सूट पहनकर तैयार होता है और उस हाथ को वो सुंघाता है लॉकजॉ को और सभी इनह्यूमंस पर हमला करते हुए वो आउटराइडर भागे जा रहा था लेकिन तभी वहां पर लॉकजॉ की मदद से टेलीपोर्ट होता है ब्लैक बोल्ट और अपनी हेवंस को हिला देने वाली आवाज के साथ कहता है रुको रुको रुको। इस वजह से वो इनह्यूमन टावर से नीचे गिरने लगता है लेकिन अपने इनविजिबल स्पेसशिप के ऊपर जाकर गिरता है और अब यहाँ से शुरू हुई है एटिलान की तबाही। एटिलान जो कि एक किंगडम है सीक्रेट पर बिल्ड हुआ लेकिन अब उसका थ्रोन खतरे में आ चुका है क्योंकि सीक्रेट्स अब बाहर आ चुके हैं। आउटबॉन्ड द पीक पर सभी लोग असेंबल हो चुके थे और सब लोग जाने के लिए तैयार थे जहाँ पर कैप्टन उनसे कहते हैं सब लोग अपना काम समझ गए, याद रखना ये सच है और डराना भी, साथ ही साथ ये खतरनाक भी है। तो एक्स निहिलो, वो लोग तुम्हारे बिल्डर्स जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को एबिस को बनाया, तो कितने चांसेस है कि अगर उन्होंने अर्थ के साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो? तब एबिस कहती है कुछ भी नहीं, हमारे पास चांसेस है ही नहीं। अगर हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन को एग्जिस्टेंस में जिंदा रहना है तो हमें ये करना ही होगा कैप्टन। तब टोनी सर उससे कहता है ग्रेट, हम यही सोच रहे थे। तब कैप्टन कहते हैं इसका मतलब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें लड़ना ही होगा और वो भी दूसरी दुनियाओं के साथ मिलकर। और यहाँ पर टांग खींचने के लिए टोनी स्टार कहता है स्पेस, ये शब्द किसी की भी खटिया खड़ी करने के लिए काफी है और सब लोग जो इस रूम में इकट्ठा हुए वो हमारे बेस्ट चांसेस है, काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता। तब कैप्टन कहते हैं कि आयरन मैन यही रुक कर कंटिंजेंसी प्लान पर काम करेगा और इस दुनिया के डिफेंस को देखेगा, अगर हम नाकामयाब हुए तो। और हमारा काम ये होगा कि टोनी को ये काम करने की नौबत ना आए, ये हम देखेंगे और हम एक घंटे में निकलेंगे। क्वीन क्रूजर्स रेडी थे निकलने के लिए और कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका से कहती है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा कैप्टन? तब वो कहता है हम अच्छे की उम्मीद करेंगे और टोनी बुरे की तैयारी। तब टोनी ये सुनते हुए कहता है लेकिन अगर तुम ध्यान से काम करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, क्योंकि मैं इस दुनिया के अंतवादी सिनेरियो से तंग आ चुका हूं, तो आराम से जाना और जीत कर आना। टाइटन जहां पर वो आउटराइडर क्रैश होता है अपने प्लेन के साथ और तभी वहां के लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे लेकिन तभी भागते हुए वो अपने मास्टर के पास जाता है और कर्वस ग्लेव कहता है बताओ क्रीचर तुम्हें क्या मिला, हमने तुम्हारे उस कॉल को जाया नहीं जाने दिया और तुम्हारे एक कॉल पर ब्लैक ऑर्डर असेंबल हो चुकी है, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ब्लैक ड्वार्फ, इबोनी माओ, सुपर जायंट और कर्वस ग्लेव। तब वो क्रीचर कहता है एटिलान और इनह्यूमन किंग, उसने वो छुपा कर रखा है जो थैनोस को चाहिए। तभी कर्वस उसके सिर पर ब्लेड रखते हुए कहता है तो बताओ तुम्हें इसका इनाम चाहिए आउटराइडर, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी दे सकता हूँ। तब आउटराइडर कहता है हाँ मुझे वो गिफ्ट चाहिए। तब उसका सर काटते हुए कर्वस कहता है तो उस गिफ्ट को लो जो तुम्हारे गॉड ने तुम्हारे लिए अप्रूव किया है। और तब कर्वस के लिए कहता है कि हम अर्थ पर अटैक करेंगे, अर्थ जो कि अब पहले जैसी नहीं रही, अर्थ जो कि हमारे अगला शिकार होगी, अर्थ जो अब बिना एवेंजर्स के है।
तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आपको इस नए बदलाव के बारे में क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।